हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल शाम को मैं यहीं रुक गई थी और अभी सुबह सुबह रजत का कॉल आया कि हम भी आ रहे हैं, मतलब मम्मी पापा भी आ रहे हैं, क्योंकि आज वो मेरे चाचा के घर इन्वाइटेड है। और फिर मुझे ये लगा कि दादी से भी मिल लेंगे सब, तो इसलिए मैंने भी कहा कि ठीक है अभी जल्दी आ जाओ, सुबह आ जाएंगे वो लोग। और फिलहाल के लिए मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर साफ सफाई कर लेती हूँ जिसके लिए मैं रुकी थी। मैं बता नहीं सकती हूँ अभी आपको कि घर का क्या हाल हुआ है। यार अभी ना मैं पानी चेक करने आई थी, तो ऑफकोर्स पानी की टंकी तो छत के ऊपर होगी ना, और यहाँ से मतलब छत से थोड़ा ऊपर एलिवेट किया है, तो यहाँ से सारा पड़ोस नीचे ऐसे दिख रहा है, ऐसे लग रहा है मैं कितने ऊपर आ गई। देखो आपको दिखाती हूँ, ये देखो सब। मैं यहाँ से नीचे उतर के वहाँ बाहर सीढ़ियाँ है, वहाँ से नीचे जाऊँगी। फिर मैंने सोचा एक बार आके पानी तो देख ही लेती हूँ, क्योंकि टंकी में पानी हो ना और मैं सफाइयाँ शुरू कर दूँ तो और स्यापा पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले आके पानी देखा। और यहाँ देखती हूँ कि दादी ने अपने कपड़े भी लगा रखे। दादी अभी तक इस एज तक अपने कपड़े खुद धोते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव है दादी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपना काम खुद करेंगे, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, इस वजह से वो हेल्दी भी है और एक्टिव भी है। यार इतना अच्छा लग रहा है ना टेरेस पे आके, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में धूप भी है। सर्दियों में मैं पूरा टाइम यहीं पे गद्दा लगा के लेटी रहती थी बचपन से लेकर, जैसी विंटर ब्रेक्स होती थी तो यहाँ पे बैठ के होमवर्क होगा, फिर उसके बाद जब बड़े हो गए कॉलेज से आते थे तो यहाँ पूरा पूरा दिन लेटे रहते थे, गुड़ मूँगफली खाते रहते थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था यहाँ पे। इनफैक्ट शाम शाम के वक्त हम सारे बच्चे यहाँ पे खेलते थे, कभी इतना सा लेंटर है बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे कभी फुटबॉल खेल रहे, कभी क्रिकेट खेल रहे, कभी पिट्ठू खेल रहे, कभी कबड्डी खेल रहे। यार क्या मजे आते थे, क्या दिन थे वो भी। गुड मॉर्निंग, आज मैं काफी फ्रेश फील कर रहा हूँ यार, कल मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी इसलिए मैंने अच्छे से रेस्ट किया। आज दोबारा हमको बुलाया है नैना के चाची ने सभी लोगों को डिनर पे, तो हमने सोचा टाइम से निकलते हैं, दादी से भी मिलेंगे। और अभी नैना वहीं पर है ऑलरेडी, वो थोड़ा बहुत घर पे सफाई वफाई कर रही है, बिकॉज इतने दिनों से घर बंद था, तो उसको लगा मैं पापा की हेल्प कराऊंगी, तो इसलिए अभी मैं मम्मी पापा निकल रहे हैं। मम्मी पापा भी बस निकल ही पड़े हैं, और आज हमारी वैसे हुआ यार लाइट ही चले गई थी इसलिए मैं बाल बाल कुछ नहीं बना पाया, मैंने सोचा वहीं जाकर करेंगे। ये अंगूरी रस मलाई 1 किलो कर दो छेना मुर्गी। लो जी, चलो चलो चलो, तुमने तो सफाइयाँ कर दी ऑलरेडी। बस मैंने हॉल किया है, अभी तक हो गया वो साफ सुथरा। नहीं हॉल किया है, इसकी भी अभी डस्टिंग वगैरह तो रह ही रही थी, मैंने बैठने की जगह बना देती हूँ। लाइट ही नहीं थी, मैंने ठंडे पानी से नहाया हूँ, तो यहाँ पे भी नहीं आया जा रही आगे वहाँ। पापा बड़ी मुश्किल से उतरे हैं, सुबह तो चल भी नहीं। अरे कल से ये इनको तो इनके बहुत हो गई थी दर्द, पर अभी तो ठीक लग रहा है मेरे को। अभी मैं यहाँ से बाहर गई थी, मैं पानी देख के आती हूँ, जब वापस आने लगी तो चाची ने जबरदस्ती रोक लिया कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया, एक परांठा तो खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। मैं प्लीज, वो परे से ला रहे हैं, मेरे को जाने तो जाने तो, मानने ही नहीं, कहते खाना ही पड़ेगा वरना मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगी। तो भूख भी थी तुम्हारे। पापा कहाँ? पापा को मैंने अभी नहाने भेजा, 11:30 बजे सो के उठे। तो लेट आए होंगे रात को? लेट आए थे रात को, और कहते मैं काफी दिनों से थक भी गया हूँ, तो पहले मैंने पापा को 10 बजे उठाया। हाँ उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। उसके बाद 11:30 बजे उठाया मैंने पापा का, तो उस टाइम पे भी सोने को मूड था, मैंने कहा बस अब नहीं चलेगा, अब उठना ही पड़ेगा, उठो और नहाने जाओ। ये देखो मम्मी ने मूंगरे की सब्जी लाई है, खाना आया है। कहाँ है दादी? अभी दादी को तो पता ही नहीं कि तुम आए हो, अगर तो पता होता तो आके बैठ गए। मम्मी देख रहे हैं तुम्हारा, जो तुम कल नहीं आए हो ना, दादी उस चीज से इतने नाराज है ना कि आज तुम्हारी मैं आई मेक अप फॉर इट, इसलिए मैं हम जल्दी आए हैं, हम जल्दी इसलिए आए आज। देखो मम्मी इतना क्यों फूल है। तो ऐसी बात है, दादी कल मुझसे कम से कम दादी ने 10 बार पूछा होगा, नहीं आया रजत, नहीं आया, ऐसे नहीं हो सकता, बता कहीं से छुपा, कहीं से छुपा, नहीं आया दादी। आ रहे हो दादी? वरना मैं जा रही हूँ। दो मिनट में पहुँचने चाहिए वरना मैं चली वापस। मैं अभी आया हूँ दादी, इसको लेने आया हूँ मैं। मैं तो इसको लेने आ गया हूँ बस, अब तेरी मर्जी करनी, मैं नहीं। जल्दी आओ अगर इसको पकड़ सकते हो, नहीं तो मैं ले जा रहा हूँ। चलो ठीक है। कोई बदमाश तो आई नहीं। दादी का डबल रोल हो गया, तो दादी देखो जरा पीछे कौन है। डरे नहीं देखो दादी, दादी का मैचिंग तो ओ भाई साहब, ये मैं और कुछ बोलो, मेरा सबसे छोटा जो है ये बदमाश हो गया, बहुत कल इसने धोखा दे दिया। अंदर चलो, जरा अंदर चलो, मेरी पोती को के लगे में छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया। बहुत बहुत खुशी, बढ़िया।
कल का पूरा कर रहे ना हिसाब जो कल नहीं आए, तो ये आज दिन को स्पेशली आप ही की खातिर आए है, वरना तो शाम को आना था इन्होंने। तड़कती भड़कती चाय, तड़कती भड़कती मसाले वाली चाय को, मसाले वाली अच्छी लगती है, बहुत ही खुशबू आ रही है, मस्त। तुम भी पियो? मन कर रहा है तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। दादी रजत ने आपकी चप्पल पहन ली थी। रोजी दी, आई एम सॉरी, गलती से पहनी थी। रजत का हक है मेरी। ओह नो, बिल्कुल। और मेरा तेरा इसके साथ है। दादी बदमाश हो गए। मैं कहा मैं नहा लेती हूं, नहाने नहीं दिया। बोले नहीं नहीं अभी चलो सबके घर बैठ। कुछ नहीं है, ये नहीं है कि भाई इसको कौन देखे क्या कैसी, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे ही सुंदर है ना दादी, सुंदर है भगवान ने। दादी आज पूरे मूड में कि गप्पे मारेंगे। हां भाई एक बार दादी कर लेते। दादी बोलती नहीं नहीं सोना तो पूरे पूरे दिन होगा, आज नहीं करेगा कोई रेस्ट, आज मुझे करना है। एक बार दादी का आउटफिट तो देखो यार, ओटीडी क्या सुंदर लग रहे हैं दादी। मॉडल है, मॉडर्न मेरे पास सब। मॉडर्न भी है, मॉडल दादी, मॉडल मॉडल जो हील पहन के चलती है। ढल गया दिन, हो गई शाम, आज पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया। अभी तक शाम हो चुकी है और अभी तक हम सब सबके घर गए थे बैठने, पूरा दिन चाय पी के अति हो गई। तो मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, फिर जब आप सबके घर जाते हो थोड़ा बहुत सब लोग ऑफर करते हैं, फिर अगर अपना खाओ तो और थोड़ा जबरदस्ती भी करते हैं। हाँ जबरदस्ती तो ले लो थोड़ा सा ले लो। हाँ तो सबको ये लगता है कि अरे हमारे घर नहीं खाया नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा शर्म में खा जाते हो, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अभी हम वापस पहुंचे हैं, पापा अंदर बैठे हैं और दूसरे पापा भी यही है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने सुबह आवाज दी पापा, और दोनों पापा कहते हैं हाँ। तो अभी मैं दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। जो मेरे पापा है उनकी आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, तो अभी वैसे पापा ज्यादा चाय के शौकीन नहीं है, पर मुझे कहते हैं कि मैंने चाय बना दी, मुझे बड़ा मन कर रहा है तो उनके लिए चाय बना। ससुर जी तो है ही शौकीन। ससुर जी तो खैर उनको चाय की खुशबू आ जाए तो उसी में खुश हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बना रही हूँ। और मम्मी पता कहाँ है अभी भी, वो दादी के साथ गए। दादी बोलते हैं आजा बेटा मैं तुझे घुमाती हूँ, तो मम्मी को ले गए। तो बस अब सुबह से लेकर आप सोच सकते हो मैं सोच रही हूँ कि अभी नहाती हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अब जाके मुझे टाइम मिला कि मैं नहा लूंगी, उसके बाद फ्रेश होके हम भी बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पापा वर्सेस पापा की गप्पे चली है, मम्मी वॉक से आ गए वापस, और अब मैं और रजत का टाइम आया कि हम चलते कहीं बाहर। आप नहीं चलने बाहर, ऊपर ही जा रहे टेरेस तक, ऐसी ठंडी हवाएं होगी, मजा आएगा। चल पापा आ जाओ। तो अभी पापा और मेरे ससुर जी की तो बातें चली है कल की, क्योंकि कल पापा हमारे सीएम साहब से मिल के आए हैं, जो कि है ठाकुर सुखविंदर सुखू जी। तो पापा के वो कॉलेज टाइम के फ्रेंड रहे हैं, मतलब वो क्लासमेट्स होते थे, कॉलेज मेट्स होते थे, तो पापा बड़ा याद करते थे कि ऐसा होता था वैसा होता था। मुझे लगा पापा झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बोल रहे हैं। तो पापा को उनका बर्थडे पता था, तो कहते मैं बर्थडे पे उनको विश करने गया था स्पेशली। मैंने कहा पापा आप झूठ बोलोगे। पापा कहते स्पेशली तेरे लिए मैं वीडियो बना के लाया हूँ, क्योंकि तूने यही कहना था, प्रूफ साथ लेके आओ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपको दीर्घ जीवन दे, निरोग जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे, और आपके हाथों मजबूत भी करे ईश्वर। तो पापा ने बताया, हमने काफी सारी गपशप करी, और फिर पापा ने मुझे एक स्कीम के बारे में भी बताया जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जिसमें कि 18 इयर्स अबव की जो फीमेल्स है उनको 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो मुझे तो सुनकर बड़ी खुशी हुई कि हिमाचल में भी इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही है। तो अब फिलहाल हम ऊपर चलते हैं क्योंकि शाम होने आई है और शाम की ठंडी ठंडी हवा का। आप लोग भी आ जाना जब आपको। हाँ ऊपर कर लेना अपनी बातें, हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे आपको। और यहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत होता है ना, देखो क्या बताऊँ इसके बारे में, तो मजा आता है। पता है जब मैं ना यहाँ घर पे अकेली होती थी तो इस वाले बेडरूम में बैठ के मैं सनसेट देखती रहती थी, और मैंने ना ये भी गिन लिया था कि अच्छा वहाँ पे इतने पेड़ है, इस तरह की शेप है, एक बिल्डिंग ना वहाँ पे बिल्डिंग है, वो ट्रीज है, ऐसे लगता है कि वो कैमल है। वो देखो उधर, मुझे नहीं समझ आ रहा। करो जूम इन करो, मैं बताती हूँ। ठीक है ये कौन सा, इस साइड को आओ थोड़ा, टावर वाली साइड, ये देखो ये लग नहीं रहा है कैमल है, यहाँ पे एरो लगाना तुम, लगता है रजत ही कैमल वो आगे जो और भी आगे लग नहीं रहा ये कैमल है। नहीं नैना बिल्कुल नहीं लग रहा है। रहने तो मुझे तो ऐसा लगता था ये कैमल है, कभी क्लाउड्स की शेप देखती थी तो मैं तो ऐसा लगता था भगवान की शेप बन गई है। तो बट मुझे नीचे से खुशबू आ रही चाची के घर से खाने। चलो अभी नहीं नहीं मैं वेट करूंगा शाम तक। हाँ चलो तो ऊपर चलते हैं। चलो कैसे होगा, दादी ने मम्मी के लिए गिफ्ट लाई है। छोटा सा छोटा नहीं है, बड़ा है। धन्यवाद। देखते जरा कैसा लगा मम्मी को।
अरे तो लग गया पानी ऊपर। हां साइज भी पूरा पूरा है आपका। ठीक है यार ना। धन्यवाद जी। कोई धन्यवाद नहीं इसका। कौन से बोलो बड़े ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा महंगा क्या मुझे लगी मेकअप में सुबह से खुशबू सूंघने आ रहा हूँ बाहर। फिर मैं उज्जवल सूंघने ना क्या क्या बना क्या। चलो चुप कर चुप कर। टेस्टी टेस्टी खाना में भी बहुत कुछ है। अभी तो आधी चीजें आई है। ये हमारा सर्वर। मुझे इतनी खुशी हो रही है अपने भाइयों का काम करते हुए। तभी सबसे पहले बैठ गए। उसकी ये सीट ये था कि यहाँ से भी ना उठ सकूँ यहाँ से भी। नहीं इसके बाद इसका नंबर है सर्व करने का। पहले हम खा लेते हैं। ये है पनीर। पता चाची ने मुझसे छुपा के रखा था पनीर। जब भी मुझे कोई दावत पे बुलाता पनीर जरूर होता है ना। छुपा के तुमसे नहीं। नहीं मैं दिन को आई थी। अच्छा कि बताओ क्या क्या है मेन्यू में। उन्होंने सब कुछ दिखाया पर पनीर भी दिखाया। अच्छा तुम्हारे लिए सरप्राइज था। ये है पनीर और ये है। और रजत एक चीज स्पेशल तुम्हारे लिए। ये क्या है। ये आलू बड़ी। बढ़िया। ओह और ये है राजमा। राजमा तुम्हारे लिए पता क्या बनाया इन्होंने। पालक कॉर्न है। वाह पर मेरे लिए ये भी। मुझे ये चटनी बहुत पसंद है। इतना कुछ है अब क्या क्या खाएंगे हम। चलो खा लेते हैं खाना। नैना लग रही है। देखा मैंने कहा ही था। अरे वाह लो रजत। नैना क्या मैं सोच रहा हूँ क्या चला है। लड़ाइयाँ हो गई। मैं एकदम से आया खाना खिलाने के लिए लड़ रहे हैं। नैना क्या मसला क्या है। मैं सोचू वो कह रहा है लड़ रहे हैं। और खाओ और खाओ। पापा यहाँ पे अपना दवाइयों का पिटारा लेके बैठ गए। थोड़ी देर के लिए गए थे डिनर के लिए। उसके बाद एकदम से ऊपर आ गए तो हम भी साथ साथ ऊपर आ गए। क्योंकि आज पापा की तबीयत थोड़ी ढीली है। आज पापा को सुबह से फीवर है। सुबह से फीवर है और पापा की आंखें भी इतनी सूजी हुई है। सूजी जब हम पहुंचे थे तब थी पापा की तो असली। क्योंकि पापा 11:30 बजे सो के उठे ना होते इसलिए सूजी थी। पर मुझे वही लगा कि पापा पहली बार सोए कि 11:30 बजे तक उठा के करना पड़ रहा है। फिर दिन को भी उन्होंने खाना खाया और फिर से सो गए। फिर अभी भी ऐसे ढीले थे तो मुझे लगा कि तो इसलिए अब हमने क्या सोचा है कि पापा को यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकने देंगे। अभी रात के आएंगे 10:30 हो रहे होंगे। तो मैंने कहा कि हम सारा सामान पैक करेंगे और परे चलेंगे ही चलेंगे। इसलिए अब पापा के साथ हम सब जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको चलना ही पड़ेगा परे। और पापा बिल्कुल नहीं मान रहे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ये बोल रहा हूँ बेटे मेरी ऐसा नहीं मैं कोई सदियों का मरीज हूँ। नहीं थोड़ा बुखार हो गया क्या बात है। छोटी मोटी टेबलेट लेकर के ठीक हो जाते हैं। वो तो हो जाते हैं ना पर एटलीस्ट पर ये तो है टाइम टू टाइम खाना मिल जाएगा। कोई बात पापा पर ऐसे दवाई से कोई कुछ नहीं होता। आपको रेस्ट की जरूरत है। खाने से कहा आदमी मरता है। पर आपको पापा ने रेस्ट के साथ खाना भी तो चाहिए। 100% रेस्ट मिलेगा आपको। हाँ इसलिए आपको परे चलना पड़ेगा। हाँ आपने जो अपने कपड़े वगैरह चेंज के लिए ले जाने हैं आपकी कोई इच्छा है कि ये पहनना वो बता दो वो निकाल के पैक करते। वो तो तुम्हारे घर में ऑलरेडी पड़े हुए भी है। नए कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। बट सवाल ये कि यहाँ मजे से मैं सो जाता हूँ। परे क्या सजा है आपको। रात का खाना खा लिया है। सुबह उठूंगा आराम से पहले। नहीं नहीं आधा घंटा लग जाता है। नहीं नहीं पापा सजा तो कुछ नहीं है। पैक करो। दवाई कौन सी ले जानी है बता दो मेरे को। लो दवाई तो यही है बेटे। ये और ये मैं माड़ी मोटी बीमारी की परवाह नहीं करता। आप ही लोग तो फिर ये नब्ज मिल जाती है। पापा की वो तो बहुत हाई फीवर है। ज्यादा घबरा पापा पर आपकी शक्ल पे नहीं आ रहा है वो। घबराता भी नहीं ज्यादा। लग रहा है पर थोड़ी तो दिखानी पड़ेगी नहीं तो सब सोचेंगे कि कुछ नहीं है बीमारी। नहीं रजत मेरी ये जगह बड़ी टूट गई है घुटने। नहीं वो तो बॉडी तो बहुत गर्म। नहीं वैसे तो पापा हमने आपका थर्मामीटर पे सुबह फीवर भी चेक किया है तो वो भी बड़ा वही आया है। तभी आपको हम जबरदस्ती लाए हैं। टेम्परेचर रिलीज नहीं हो सका। यार कितनी देर बारिश है। ओले पड़ रहे हैं और एक तरफ धूप आ रही है। यार ओले पड़ रहे हैं भाई साहब। तुमने
मिस कर रही हूँ, तो वहाँ से चिड़िया भाग भाग के जा रही थी। यहाँ जो चट्टान है ना इधर पीछे को, वहाँ पे चिड़िया रहती थी, इतने सारे कबूतर इधर भी आए अभी। हाँ ओले बजते हैं ना इनको। ओ भाई गाड़ी पे भी ओले ओले हो गए। कितना सुंदर मौसम हुआ है ना। मॉर्निंग हो तो ऐसी जैसी इतनी ज्यादा रिफ्रेशिंग थी, मजा आ गया। भागते भागते आ रहा है कि देखते हैं कितनी तेज से बारिश हो रही है। ये ओले पड़ रहे हैं, देखते किसके हाथ में आते हैं। मेरे एक गिर ये आ गया। मुझे नहीं, मेरी बाजू पे आ रहा है। देख छोटा सा आया लेकिन बड़े तो उछल रहे हैं। पे बाजू पे हर जगह आ गया, हथेली पे एक भी नहीं। यहाँ देखो कितने सारे आ गए। चलो ठंड लग जाएगी। तुमने कुछ पहना भी नहीं है। नहीं ठीक है, इतना मुझे नहीं लग रही सर्दी। पता क्या, ये देखो इस वाली साइड कितनी बारिश हो रही है और उस पहाड़ के ऊपर बादल ही नहीं है। हाँ सही बात है। अभी कंफ्यूज हो रही है उड़ेगी ना उड़े, बेचारी उड़ती है फिर बैठ जाती है। आज हमारा ब्रेकफास्ट में बन रहा है गर्मा गर्म ओट्स चीले। इनको मैंने बढ़िया से रोस्ट किया, उसके बाद ग्राइंड करके चीले बना दिए। बड़े इजीली बन जाते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। और क्योंकि आज बारिश हो रही है तो थोड़ी सी चाय तो बनती है सुबह के टाइम। तुम कुछ बहाना ढूंढ ही लेती हो चाय के लिए। यूजुअली आप देखो हम ब्रेकफास्ट के साथ चाय तो पीते नहीं है। हम तो क्या, मैं ही पीती हूँ, मुझे ही शौक है। तो अब सबकी मतलब मेरी चाय बंद थी, पर आज बारिश हो रही है तो मेरा मन कर रहा है थोड़ी चाय तो चले जिसके साथ। लो जी ये बन गया है सूप, पापा के सूप है, हम सब ने खाए ओट्स के चीले। ओए ओए पता है इसको हम अंजोड़ा बोलते हैं। अंजोड़ा पता है मुझे, अंजोड़ा मुझे ना इसकी मम्मी ने चटनी बनाना सिखाई थी जब इसकी मम्मी ने इसकी अंजोड़ा की चटनी बनाना सिखाई थी मुझे मम्मी ने जब हम गांव में रहते थे। बहुत टेस्टी बनती है, चटपटी है ना। हाँ चला गया ऊपर, उसको पसंद नहीं आया फ्लेवर। नहीं इनको आता है, पर ये इसके दांत। पापा सूप कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट। इस सूप से मेरी बॉडी को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट मिलेंगे एंड आई विल फील मोर बेटर। वेरी गुड फादर, दैट शुड बी द स्पिरिट। इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड दैट इज लिटिल बिट हेवी स्टफ टू डाइजेस्ट। दिस इज ऑल द फूड पापा, लिक्विड फूड। खाना है कुछ भी बनाऊंगी पापा उसको अच्छा ही बोलेंगे। नहीं अच्छा तो बना है ऐसे। हुई नहीं सेटिंग तुम्हारी, सारे कपड़े ऐसे बिखर रखे हैं पापा को भी। अब फिर से ट्रैवल करना है ना, तो जब जहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ वहाँ समर्स है, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ विंटर्स ही खत्म नहीं हो रही, तो उस हिसाब से मेरे को सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं। और मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली, दिखाओ दिखाओ। ये तो वही फ्रॉक है जो कल तुम फोटो एल्बम में दिखा रही थी। मेरे बचपन की फ्रॉक है और ये मुझे बिल्कुल नहीं भूलती है पता। और बड़ी बताओ, बड़ी प्रिटी दिखती थी इसमें जब इस फ्रॉक को पहनती थी ना। Really? पता है क्या, हमारे स्कूल में क्या होता था, जिस दिन आपका बर्थडे उस दिन आपको कलर ड्रेस पहनना अलाउड होता था और साथ में आप टॉफी चॉकलेट जो भी ले जाने आप ले जा सकते थे। तो मुझे बड़ा शौक होता था कि बर्थडे पे ऐसे करना है। तो पापा कहीं टूर पे गए थे, मुझे लगा कि पापा आएंगे नहीं और मेरा बर्थडे कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मैं सेलिब्रेट। तो पापा रात को लेके आए थे, मेरे को आज भी बहुत अच्छे से याद है। जो नीचे वाले हमारे सेट है जहाँ अभी किराएदार वगैरह रहते हैं ना, वहां पे हम उस टाइम रहते थे, पापा ये लेके आए थे और साथ में एक टॉफी आती थी मिल्क एंड नट। उसके जो मतलब उसका डब्बा होता है ना, वो गुड़िया की शेप का होता है, वो लेके आए थे। मैं इतनी खुश हो गई थी ना, वो बाल्टी लेके चली हुई थी फिर स्कूल को मैं। अच्छी बात ये है ना बेटा, तुमने पुरानी यादों को संजो करके रखा है। दिस इज वेरी एक ये और एक और स्वेटर भी मैंने, और एक कंबल नैना का बचपन। और पता है हाँ वो तो है ही। और जो ये फ्रॉक है इसमें एक बो भी होता था यहाँ पे, तो हम वहाँ तो ये मैंने फ्रॉक बहुत ज्यादा पहनी है बचपन में, शायद सबसे ज्यादा पहनी है। तो जब कंच का पूजन भी होती थी ना तो ये पहन के जाऊंगी। और यहाँ से ये मैंने खोल दिया था, यहाँ पैसे डालती थी। ये देखो ये जो छोटी सी लेयर है। तो हुआ क्या था, जो वो होती थी ना, हम कहाँ गए थे, ताजमहल गए थे, आगरा गए थे ना जब, तो उस टाइम पे वहां पे तो बहुत रश होता है, तो वो ना कहीं छूट गया था। तो मैं बड़ी दुखी थी और हम तीनों के फोटो है, मैं यूं ऐसी उदास सी देख रही हूँ और मेरी बहने दोनों अच्छे से खड़ी है। दूसरा मेरा ये स्वेटर है, इसमें भी मेरी फोटो है। मतलब मेरे ना स्कूल खत्म हुए थे, विंटर वेकेशन शुरू हो रही थी, तो लिया था ये स्वेटर मेरे लिए। तो शिमला में तो ऑफकोर्स ऐसा होता है, समर वेकेशन उतनी ज्यादा नहीं होती, विंटर वेकेशन ऐसी होती थी 2.5-3 महीने, तब लिया था ये।
बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा, तभी तो मुझे ऐसा होता है कि सॉफ्ट कपड़े ही पहनने, क्योंकि बचपन से मैं ऐसे ही नरम नरम कपड़े पहनती थी। इसको रखना कहीं मत फेंकना। ऑफ कोर्स मैं ये बिल मम्मी क्या करते थे, जो भी मेरे कपड़े है ना सबको दे देते थे, कोई किसी को दे रहे कोई किसी को दे रहे, ये दो चीजें तो मैं मम्मी से भी छुपा के रखती थी कि ये कभी किसी को नहीं देनी है, इसलिए अभी तक ये मेरे पास है। सो गाइस अभी हम थोड़ी देर एडिट करने बैठे थे और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि मौसम अब खुल गया है, आई मीन कि बारिश रुक गई है और बादल हट गए है, तो इसको कहते हैं मौसम खुलना हमारी पहाड़ी डायलेक्ट में। क्योंकि यार आज ना मेरी बुआ का और मामू का जगराता है, तो ऑफकोर्स जब किसी का फंक्शन हो ना, अगर बारिश हो जाए तो मजा थोड़ा सा किड़किड़ा हो जाता है। अब मौसम खुल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के, और हम भी फटाफट से रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें भी वहां के लिए निकलना है। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून।